YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गढ़वा जिले के गोदरमाना में वर्ग एक से लेकर 10 वर्ग तक के छात्रों की स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें करीब 15 बच्चों की आंखों में शिकायतें पाई गई। वहीं वर्ग 6 में पढ़ने वाली छात्रा रानी मुखबधिर पाई गई, जो बोलने में असमर्थ है। मौके पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करने पहुंचे डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि बच्ची रानी का इलाज भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा व जब तक रानी बोल नहीं लेती है तब तक उसका इलाज का खर्च भारत सरकार उठाएगी। वहीं आंख की शिकायत पाई गई तमाम बच्चियों को आंख की दवा दी गई। स्कूल गुदरमाना के परिसर में 75 बच्चों की निःशुल्क जांच किया गया, जिसमें एक रानी कुमारी मुख बच्चे के रूप में पाया गया और उसका इलाज के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर बात करके पूरी व्यवस्था कराएं, जिसमें आने जाने खाने का और ऑपरेशन का पूरी तरह से मुक्त होगा। हमारा जो भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके तहत मुख्यतः विशेष रूप से 30 बीमारी को सम्मिलित किया गया है और कोशिश है कि हर विद्यालय में जाँच करके और इस बीमारी में अगर निकलता है किसी तरह का दोष तो हम लोग उच्च स्तरीय इलाज करने का प्रावधान